डिप्रेशन और एंजाइटी जब शारीरिक कारण से होती है तो उसको ऐसे डील करें, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन एंजाइटी होना बहुत ही कॉमन है। अपने मन जैसा हुआ नहीं, अपने उद्दिष्ट पूरा हुआ नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस हमने किया नहीं, एग्जाम में फेल हो गए, कुछ नुकसान हुआ, इसने कुछ बोल दिया, अपना अपमान किया, पैसा हमने लॉस कर दिया, ऐसे काफी कारण है कि जिसके वजह से डिप्रेशन होता है। अभी आजकल तो लड़के लड़कियों का ब्रेकअप होता है तो उसमें फिर डिप्रेशन होता है और वो आते हैं हमारे तरफ, ब्रेकअप हुआ है और डिप्रेशन है। कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है कि भाई आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मैं कैसा डील कर सकूंगा, एग्जाम है उसमें पास होऊंगा नहीं होऊंगा, इंटरव्यू में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, ट्रांसफर होंगी कि नहीं होंगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बच्चों का क्या होगा, अपने हेल्थ का क्या, ऐसी काफी सारी चिंता है लोगों को रहती। तो ये सब साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ भी साइकोलॉजिकल रीजन नहीं होने के बावजूद भी आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी आ सकती है। क्या होता है कि कुछ केमिकल लोचा है दिमाग में, कुछ ब्रेन पैटर्न्स है, या कुछ बॉडी में ऐसा कुछ तभी हुआ है कि जिसके वजह से आपको डिप्रेशन आया हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि डोपामिन सेरोटोनिन ये जो फील गुड हार्मोन्स है या इमोशन वाले हार्मोन्स है उनका, उनकी यदि मात्रा कम हो गई तो आपको डिप्रेशन आता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है स्टीरॉयड, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और उसमें स्टीरॉयड हार्मोन्स बहुत सिक्रिट हो रहा है, काफी सारी एंग्जाइटी आ जाएगी। तो मगर डिप्रेशन जो आता है डोपामिन सेरोटोनिन से नहीं, ये काटना पड़ेगा। तो डोपामिन सेरोटोनिन कम क्यों होता है वो जानना जरूरी है। हमको पता नहीं कि कम क्यों होता है मगर होता जरूर है। तो ऐसे इसमें हम दवा देते हैं लोगों को, दवा से काफी सारा अच्छा असर पड़ता है। दवा से हम एंटी डिप्रेशन देते हैं, एंग्जायटिक देते हैं और वो दवा से उनको काफी अच्छा लगता है। दवा से सेरोटोनिन डोपामिन की लेवल्स जो है वो रिस्टोर हो जाती है। कुछ दवा ऐसी है कि जो एंटी डिप्रेशंस है, कुछ दवा ऐसी है कि जो एक्साइटमेंट कॉज करती है, एक्साइटेशन होता है और उससे उनको अच्छा लगता है। मगर ये दवा का असर हो गया और ये दवा से अच्छे हो रहे, मगर बाकी भी तो और कुछ होगा। क्योंकि मतलब काफी बार ऐसा हो जाता है कि दवा से आदमी सुन हो जाता, सो जाएगा, फिर काम का नहीं रहेगा हो जाता, फिर दवा के साइड इफेक्ट है। तो क्या हम ये जो बॉडी का डिप्रेशन है, शारीरिक डिप्रेशन है, जो केमिकल लोचा से भी हुआ है, क्या हम उसको बिना दवाई का अच्छा कर सकते हैं क्या? और बिना दवाई का अच्छा करना मतलब शारीरिक तंदुरुस्ती, शारीरिक फिटनेस लाना और उसके वजह से और उसका उपचार करके अच्छा कर लेना। मगर इसमें एक वार्निंग है या एक डिस्क्लेमर है कि भाई आप यदि उसको बिना दवाई का अच्छा कर लेंगे, मतलब बिना दवाई का अच्छा करने की कोशिश कर रहे और उसको सुसाइडल थॉट है, खुदकुशी की कोशिश कर रहा है, तो फिर ये बिना दवाई का ट्राई नहीं करना है, फिर तो दवाई देनी पड़ेगी। मतलब कोई इमरजेंसी है, कोई थ्रेट है लाइफ को, तो फिर ये करने का नहीं। मगर थ्रेट लाइफ को नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, साइकोलॉजिकल कारण नहीं है, तो फिर हम बिना दवाई का अच्छा करने की सोच सकते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें खान पान अच्छा करना चाहिए, तो जंक फूड अवॉइड करना, टाइम टू टाइम खाना, ज़्यादा फ्रूट्स मतलब फल ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा घास पत्ती खाते हैं मतलब वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना, सब तरह के न्यूट्रासिटिकल्स विटामिन्स, फिर प्रोटीन्स ज़्यादा खाना, प्रोटीन्स आप ज़्यादा खाते हो तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। खुली हवा लेना, जब खुली हवा में आप जाते हो, घूमने जाते हो, घूमते हैं, खुली हवा में सांस लेते हो, बहुत अच्छा लगता है, सनलाइट से काफ़ी अच्छा लगता है, सनलाइट सूर्य प्रकाश वो आप जितना लेते ज़्यादा तो उतना उससे भी काफ़ी सारा फायदा उसमें होता है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, जब हम कसरत करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसमें डोपामिन सेरोटोनिन सिक्रेशन अच्छा होता है। मेडिटेशन में डोपामिन सेरोटोनिन सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। सेल्फ हिप्नोसिस, तो उसमें भी हमको ये फील गुड हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो हम ये सब करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। इसके साथ साथ हम जब लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी शारीरिक स्थिति नॉर्मली अच्छी हो जाती है। उसके साथ साथ लोगों के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट करना,
लोगों के जीवन में योगदान देना, लोगों के लिए खड़ा होना, लोगों को समय देना, लोगों को शक्तिशाली कैसे बना सकते वो देखना, लोगों के जो भी अप्स एंड डाउन है उसमें उनको सहायता करना, सपोर्ट करना, जब हम वो करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है और उसमें जो शारीरिक इम्बैलेंस हुआ है वो भी नॉर्मल हो सकता है। तो ये हम करते हैं तो हम जड़ से उसको निकालेंगे, डिप्रेशन को या एंग्जाइटी को, और जड़ से हम निकालते हैं तो दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके बारे में आपको कोई भी सवाल होंगे तो आप जरूर नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट हमारे से ले सकते हैं। मेरी ऐप है डॉक्टर केळकर मनोविकास नाम की, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो और आप वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।